सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए निकालिए अपनी अपनी नोटबुक और लिखना शुरू करते हैं। जैसा कि कल हम पढ़े थे त वर्ण के बारे में, ओके, तो आज हम पढ़ेंगे त के बाद ख। तो देखिए आप लोग यहाँ से त के बाद ख है, ये जो है ये ख है, ओके। पढ़ने के लिए थ वर्ण पंचांग पर गोला बनाओ, ओके। गोला गोला बनाओ, ठीक है ना? ख वर्ण पहचान कर गोला लगाएं। तो देखिए कैसे लिखना था। पहले तो हम लिखेंगे त, किस वर्ण का लगाते हैं? त, ख, इसलिए पहले हम लिखते हैं त। त के बाद ख, लेकिन ख कैसे लिखें? यहाँ गोल बनाना है, देखो नीचे की तरफ ऐसे माथे और लाइन सटा देना, यानी कि मिला देना। ये हो गया ख। फिर है द, फिर ख, 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 आप लोग सुंदर अक्षरों में लिखेगा। फिर है ख, ख ऊपर की तरफ ज्यादा संख्या रखेंगे, ख, ख, ग, ओके। फिर ख के बाद देखिए बच्चों क्या हुआ, ख नहीं लिखते हैं, फिर ख, ख, म, ख, य। एक चीज देख लीजिएगा, या जो हम लिखते हैं ये या है, सेम टू सेम थ ऐसे ही है, लेकिन या जो है इसमें यहाँ देखिए गोल नहीं बना हुआ है, लेकिन थ में यहाँ पर गोला बना दिया गया है, यानी कि या लिखे हम और इससे गोल बना दिया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखने में ऐसे नहीं हो पाए तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो इस तरह से भी आप आराम से और लिख सकते हैं। यहाँ की तरफ लिख देना है और फिर यहाँ गोल बना देना, देखिए कितना सुंदर हो गया ना। इस तरह से भी आप वहाँ लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ के बाद ह, र, ख, ल, ठीक है। ये श के बाद देखिए बच्चों, श, श यानी मुद्रा, फिर ह, सा,
दंस ह ह ह श ह त्र फिर ह
द फिर ध फिर है ध फिर ध ओके फिर क्या है न फिर ध प खुश रहिए।